भोपाल से बड़ी खबर, सीनियर आईएएस राजीव शर्मा का इस्तीफा मंजूर। भिंड से टिकट की दावेदारी की चर्चा चल रही है। सीनियर आईएएस राजीव शर्मा, उनका इस्तीफा मंजूर हो गया। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उन्होंने आवेदन दिया था, सरकार ने उनका आवेदन मंजूर कर लिया है। भिंड विधानसभा क्षेत्र में दावेदारी की चर्चा है, कांग्रेस की तरफ से उनकी दावेदारी की चर्चा चल रही है। मूलतः भिंड जिले के रहने वाले शर्मा अभी आयुक्त शहडोल संभाग के पद पर कार्यरत थे। एक तरफ राजीव शर्मा है, एक तरफ एक और आईएएस है, वो पद यात्रा निकाल रही है, न्याय यात्रा वो इसे नाम दे रही है, बैतूल आमला से लेकर भोपाल तक। उनका कहना है कि सरकार रिजाइन एक्सेप्ट नहीं कर रही है। शहडोल संभाग के कमिश्नर, उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है। सीनियर आईएएस है राजीव शर्मा, माना जा रहा है कि भिंड से दावेदारी इनकी पक्की है कांग्रेस की तरफ से। सीनियर आईएएस राजीव शर्मा का इस्तीफा मंजूर, कांग्रेस पार्टी से दावेदारी की चर्चा, भिंड से वो दावेदारी जता रहे हैं। मूलतः भिंड के ही रहने वाले हैं शर्मा। शहडोल संभाग आयुक्त के पद पर वो कार्यरत थे, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। एक और इस्तीफा लगातार चर्चाओं में है, महिला आईएएस अधिकारी का इस्तीफा जो मंजूर नहीं किया जा रहा है, इसे लेकर वो यात्रा निकाल रही है आमला, बैतूल आमला से लेकर भोपाल तक उनकी यात्रा चर्चाओं में। इन सबके बीच ये खबर कि शहडोल संभाग के जो कमिश्नर रहे सीनियर आईएएस राजीव शर्मा, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। भिंड से पंजे के साथ उनके दावेदारी की चर्चा है। कांग्रेस की टिकट पर भिंड से दावेदारी की चर्चा, राजीव शर्मा। और अब इंदौर